दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे ये डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, जिसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। शुगर का प्रॉब्लम बोलते हैं, मधुमेह कहा जाता है डायबिटीज़, और इसका साइंटिफिक नेम है डायबिटीज़ मेलाइटस। सो दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए थोड़ा उसका बैकग्राउंड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, WHO का हिसाब से हर साल करीब 12 मिलियन पीपल का मतलब हो गया करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग हर साल जो है वो डायबिटिक के कारण मरते रहते हैं। और डायबिटिक उनका एक कोमॉर्बिड सिचुएशन है, उसके साथ साथ हार्ट का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम दिखाई देता है, और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तकलीफें भी होता है। तो नेचुरली एक बहुत ज़्यादा चंक जो है पूरा दुनिया में डायबिटिक पेशेंट में है, और डायबिटिक पेशेंट आज के दिन में सबसे खतरनाक, डायबिटीज़ का जो बीमारी है सबसे खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, डायबिटीज़ का जो साइंटिफिक नेम है आपको पता है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, और डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो दो तरह का होता है। तो दोस्तों, आप थोड़ा तैयार रहिए, मैं तो स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा डायबिटीज़ के ऊपर, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है आप थोड़ा इसको फॉलो कीजिए, कुछ चीज़ में नोट कीजिएगा। उसके बाद प्रोवेदा का जो भी प्रोडक्ट डायबिटीज़ के लिए है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं डायबिटीज़ के ऊपर जो बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ पूरा दुनिया में करीब 422 मिलियन, 422 मिलियन का मतलब हो गया करीब 4 करोड़ 22 लाख, नहीं 4 करोड़ 22 लाख, यानी 42 करोड़ लोग जो दुनिया में हैं वो करीब आपको डायबिटिक पेशेंट है। और डायबिटिक पेशेंट आज के दिन में बहुत ही बढ़ रहा है। एक टाइम में ये अराउंड 3.7 मिलियन था, और जिसका डेथ होता है हर साल 3.7 मिलियन, करीब 37 लाख लोगों का डेथ होता है इसमें। 15 मिलियन डेथ कॉज बाय डायबिटीज़, 1.5 मिलियन, करीब 1.5 करोड़ लोगों का, 15 लाख लोगों का इसमें करीब मौत भी हुआ है इस साल में। तो इस तरीका से ये डायबिटिक पेशेंट जो है ना बहुत खतरनाक है, और हर 11 लोगों के में एक डायबिटिक पेशेंट होता है। और इस डायबिटीज़ आज के दिन में बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, और इसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर का मतलब होता है निःशब्द घातक, मीन्स ये आपको कब बार करके चले जाए आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, डायबिटीज़ जो है ये आपको माना जाता है कि डिजीज़ जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं, ब्लड ग्लूकोज जो होता है ये अपने एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, बट ये इंसुलिन के द्वारा मेटाबोलाइज होता है, बट ये मेटाबोलाइज होना कोई भी हिसाब से बंद हो जाए तो आपके ब्लड में शुगर रह जाते हैं, और इसमें डायबिटिक्स होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियास में बनता है, जो ग्लूकोज को खाने से मिलने के बाद उससे एनर्जी पैदा करने में हेल्प करते हैं। तो ये डायबिटीज़ के साथ इंसुलिन के बहुत ज़्यादा लंबा जोग है, क्योंकि इंसुलिन नहीं रहेगा तो आपका शरीर का ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा तो नेचुरली आपके शरीर में शुगर, में ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाएगा, जो आपको हर ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। सो दोस्तों, आज के दिन में डायबिटीज़ ज़्यादातर दो तरह का दिखाई देता है। ऐसे तो है डायबिटीज़ दो तीन तरह का, बट दो तरह का डायबिटीज़ सबसे पहले होता है टाइप 1 डायबिटीज़। मान लीजिए 10 लाख लोगों का डायबिटीज़ होगा तो उसमें आपको 1 लाख, मीन्स 1%, जो करीब 10% लोग जो होता है वो माना जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है ना, ये ज़्यादातर आपको पैंक्रियस से इंसुलिन आइदर प्रोडक्शन नहीं होता है, नहीं तो बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है। ये ज़्यादातर एडोलेसेंट ग्रुप में दिखाई देता है, मीन्स मान लीजिए 12-13 साल से लेके करीब 17-18 साल तक ये दिखाई देता है। इसका भी सिम्टम्स जो होता है, इसमें थ्रस्ट रहता है, एक्सेसिव थ्रस्ट रहता है, ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार टॉयलेट जाता है, भूख ज़्यादा बढ़ता है, थकान महसूस होता है, और आँखें कमज़ोर हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करें, इंसुलिन थेरेपी दिया जा सकता है, मेडिसिन दिया जा सकता है, डाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, और एक्सरसाइज किया जा सकता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ ये सबसे कॉमन डायबिटीज़ कंडीशन है, और जितने ज़्यादा लोग हैं उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये ज़्यादातर एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड शुगर होता है, जिसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है। उम्र के साथ साथ ये हो सकता है, उम्र बढ़ने के बाद भी हो सकता है, और एक मेजर एज होता है जो 35-40, इस एज ग्रुप में ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी क्या होता है कि एक टाइम के बाद से इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और नहीं तो
क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रेश जो इंसुलिन निकालता है उसको काम करने वाला जो रिसेप्टर होता है वो इनको रेजिस्टेंस कर लेता है, तो इंसुलिन आपको काम नहीं कर पाता है। इसका भी सिम्टम सेम है, एक्सेसिव थ्रस्ट, ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है, टॉयलेट जाते हैं, और भूख बढ़ जाते हैं, थकान महसूस होता है, आँखों कमज़ोर हो जाता है। और कुछ जगह में मैं आपको बताना चाहता हूँ देर इज़ नो सिम्टम ऑल्सो, कोई सिम्टम नहीं रहता है, करीब 2-3 साल के बाद पता चलता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड इंसुलिन थेरेपी इसका ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है। और दूसरा डाइट में जो हर्बल प्रोडक्ट्स होता है, जो वेलनेस न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, तो आइए देखते हैं डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकता है। तो हम लोग को ये पता चला कि डायबिटीज़ क्या है, ये नेचुरली इंसुलिन अपने शरीर में जो बनता है, इधर ये बनता है और नहीं भी बनता होगा तो ये रिसेप्टर में काम नहीं कर पाता है, तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद देखा जाए कि डायबिटीज़ पेशेंट को कभी होता है इंसुलिन होने के बाद भी रेजिस्टेंस जो ग्रोथ होता है उसके कारण होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़्यादातर होता ही नहीं है, बचपन से भी नहीं होता है, तो इसके कारण उनको इंसुलिन दिया जाता है, और ये करीब 10% होता है टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन का। टाइप 2 इन जनरल सबसे ज़्यादा होता है, और इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो डायबिटीज़ को आपको मैंने बताया, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, इसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं करे तो इंसान का मौत भी हो सकता है। तो किस तरीका से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाएगा? नाउ दोस्तों, सबसे पहले डायबिटीज़ रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा थ्रू मेडिसिन, थ्रू इंसुलिन। दूसरा बात है कि रेगुलर इसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन शुगर कंट्रोल हो जाए तो अपने शरीर में आपका जो ऑर्गन्स है वो सही रहेगा। मैनेज योर वेट, आपका वेट मैनेजमेंट करना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है, ईट बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ हेल्दी डाइट के अंदर में जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो फूड सप्लीमेंट है, वो बहुत ही अच्छे काम कर सकता है। लिमिट द टेक अवे एंड प्रोसेस फूड, ये जो बर्गर्स वगैरह, पिज्ज़ा वगैरह जो हम लोग टेक अवे फूड लेते हैं, जो हाईली स्पाइसी फूड खाते हैं, इसको कंट्रोल करना है। लिमिट योर अल्कोहल इनटेक, अल्कोहल से भी डायबिटीज़ का जो कंडीशन होता है, किडनी का कंडीशन, पैंक्रियास का कंडीशन, लीवर का कंडीशन ख़राब होता है। क्विट स्मोकिंग, दोस्तों मैं हर बार बताता हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग में डायबिटीज़ बढ़ सकता है, कोई भी बीमारी बढ़ सकता है, तो स्मोकिंग छोड़ना है। एंड फाइनली कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। सो प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ आपको कुछ करना, 4 चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग कीजिए, डाइट चेक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और स्मोकिंग को कंट्रोल करें, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करें, तो आपको डायबिटीज़ प्रिवेंशन हो सकता है। ना दोस्तों, डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए और डायबिटीज़ के लिए प्रोवेदा का क्या क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा। दोस्तों ये स्लाइड नहीं है, मैं एक एक करके प्रोडक्ट बताऊँगा और उस प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो प्रोडक्ट लेके हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज़ को प्रिवेंशन करने के लिए क्या चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले ये भी चीज़ आप जान के रखिए कि कोई भी एलोपैथ दवाई चल रहा है, होम्योपैथ दवाई चल रहा है, बट उसके साथ साथ आप कभी भी डायबिटीज़ का जो वेलनेस सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वो ले सकते हो, मीन्स ये मेडिसिन के साथ भी चल सकता है। कभी क्या क्या होता है कि आप मेडिसिन भी ले रहे हो, शुगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस जगह में आपको ऐसा कुछ वेलनेस सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जो शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करे, क्योंकि शुगर का मेडिसिन लॉन्ग टर्म लंबा कंटिन्यू करे तो नेचुरली आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि डायबिटिक केयर जो प्रोडक्ट प्रोवेदा के पास है वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। सुनाओ दोस्तों, सबसे पहले डायबिटिक केयर जो प्रोडक्ट है उसको जो काम करना है वो उसका आपका शरीर का इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना है कि कम इंसुलिन में भी आपका शरीर में शुगर को कंट्रोल कैसे रखा जाए। तो इसके कारण इसके अंदर में कुछ कम्बिनेशन है, जो कम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन है और मार्केट में ऐसा कम्बिनेशन नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर में त्रिफला, त्रिफला का मतलब होता है आमला, हरहर और बहरा। जो आमलकी होता है, हरितकी होता है और बहरा होता है, ये चीज़ मिला के त्रिफला बनता है। सो आमला है, हरहर है, बहरा है, ये तीनों चीज़ जो याद रखिएगा कि आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। आमला से, हरितकी से, हरितकी इज़ वेरी गुड, हरहर जो होता है, हरितकी जो बहुत अच्छे होता है, और बहरा जो होता है उससे भी आपको शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो त्रिफला इसके अंदर में है। इसके अंदर में है नीम,
सो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, नीम एक बहुत ही अच्छे ब्लड प्यूरिफायर है, शुगर को कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर नीम है। इसके अंदर में करेला, दोस्तों करेला के अंदर में पी पॉलीपेप्टाइड बोल के एक ऐसा केमिकल है जो इंसुलिन को मिमिक कर सकता है, कॉपी कर सकता है। याद रखिए, क्योंकि करेला शुगर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। पी पॉलीपेप्टाइड जो होता है ये शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपको शुगर को सही जगह में लेके आता है, तो नेचुरली करेला है। करेला के साथ इसके अंदर में जामुन है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जामुन इसलिए दिया गया क्योंकि जामुन का जो गुठली होता है, जामुन का जो सीड होता है, उस सीड के अंदर में एक ऐसा केमिकल होता है जिसका नाम है जाम्बुलिन। ये जाम्बुलिन केमिकल जो होता है ये शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। पुराने जमाने में आयुर्वेद ने ये प्रोडक्ट दिया करते थे और शुगर बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल होता था। तो दोस्तों शुगर कंट्रोल करने के लिए आंवला है, अरहर है, जामुन है, करेला है और है गुड़मार। गुड़मार इसको साइंटिफिक नेम है जेमनेमा सिल्वेस्टा। दोस्तों गुड़मार जो होता है, गुड़ का मतलब मीठा, मार का मतलब मीठा को मारते हैं, इसको गुड़मार कहते हैं। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़मार से शुगर बहुत अच्छे कंट्रोल होता है। इनफैक्ट कोई भी शुगर कंट्रोल प्रोडक्ट में गुड़मार होना चाहिए, जेमनेमा सिल्वेस्टा होना चाहिए, जिसमें शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो इसमें गुड़मार होता है जो बहुत अच्छे काम करता है। तो ये कम्बिनेशन जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन है। सो डायबिटिक केयर जो काम करता है, सबसे पहले ये शुगर को कंट्रोल करेगा। दोस्तों आप मेडिसिन लेते हो जिसमें शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से शुगर कंट्रोल होता है। नंबर टू, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का मतलब है कि कम इंसुलिन ने भी ये आपका ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाएगा। नंबर फोर, ये है, ये जो होता है पी पॉलीपेप्टाइड जो करेला के अंदर में रहता है, इंसुलिन जैसा ही काम करते हैं। तो इंसुलिन शरीर में नहीं भी होगा तो ये इंसुलिन जैसा शुगर को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो आंवला है, जो है, वो हर प्रोडक्ट अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन देते हैं, तरीका देते हैं, और इसमें आपका जो शुगर है बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में होता है। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जितने सारे डायबिटिक प्रोडक्ट है ये इतना जल्दी काम नहीं करता है जितना जल्दी आप सोचते हो। बहुत सारे लोग मेरे को बताते हैं कि 7 दिन यूज़ किया तो शुगर कंट्रोल हो, क्यों नहीं हुआ? दोस्तों जो डायबिटिक केयर जैसा प्रोडक्ट है इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मिनिमम 3 से 6 महीना इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसमें आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। तो ये कम्बिनेशन रेगुलर इस्तेमाल करते जाए, जिनको शुगर है, जिनको शुगर नहीं भी है, जिनका फैमिली में शुगर का केस हिस्ट्री है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है ये डायबिटिक केयर प्रोडक्ट। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि डायबिटिक केयर जो प्रोडक्ट है ये आपका लीवर को, किडनी को और बाकी दूसरे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ज़्यादातर आपको डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है इसके अंदर में त्रिफला होने का कारण। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो डायबिटिक केयर प्रोडक्ट है इट इज़ नॉट ओनली कंट्रोलिंग द डायबिटीज, इसके आसपास में सराउंडिंग्स में जितने सारे ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में ये प्रोडक्ट बहुत हेल्प करता है। तो पहला प्रोडक्ट जो है डायबिटिक केयर, जो शुगर जिनका है उनको सबसे पहले डायबिटिक केयर से शुरू कीजिए। नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट बताऊंगा इसके साथ वो है गिलॉय तुलसी। दोस्तों गिलॉय एक बहुत ही अच्छे हाइपोग्लाइसेमिक हर्ब्स है। हाइपोग्लाइसेमिक हर्ब का मतलब है जो आपके खून के अंदर में जो शुगर है, जो शक्कर है, उसको कम करने में हेल्प करते हैं और शक्कर को मेटाबोलाइज कर देते हैं। तो गिलॉय तुलसी जो प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए आपके पास डायबिटिक केयर नहीं मिला तो गिलॉय तुलसी अकेले ये काम कर सकता है। और डायबिटिक केयर के साथ साथ आप गिलॉय तुलसी भी ले सकते हो जो बहुत ही बेहतरीन रूप में आपका शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो गिलॉय तुलसी, गिलॉय और तुलसी का कम्बिनेशन जो ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और फीवर को कंट्रोल करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीका से जो गिलॉय तुलसी है वो भी शुगर के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो पहला दो प्रोडक्ट इस डायबिटिक केयर और उसके साथ साथ गिलॉय तुलसी। दोस्तों मेरा 2-3 और बहुत ही सजेस्टिव प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए नोनी है इसके साथ, नोनी टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करते हैं और शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई नोनी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ये भी सपोर्ट देगा कि वो शुगर कंट्रोल में हेल्प करेगा, तो उसके साथ साथ ये कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो प्रोडक्ट प्रोवेदा के पास है जो शुगर के लिए बेहतरीन काम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ावा देते हैं, आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और ब्लड शुगर को, इंसुलिन का सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, वो है कुरकुमिन। दोस्तों बहुत सारे स्टडी ये प्रूव किया है कि कुरकुमिन जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है।
नहीं मिला तो मोरिंगा ओलिफेरा स्पिरुलिना जैसा प्रोडक्ट है, उसके अंदर में बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। सो दोस्तों एक तरह देखा जाता है कि प्रोवेदा का जितने सारे प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई एंगल से डायबिटिक पेशेंट में काम करता है। रेड एलोवेरा, दोस्तों एलोवेरा जूस शुगर के लिए बहुत बढ़िया है। अब कोई भी किताब खोलिए, गूगल सर्च कीजिए, जहां भी जाइए आप देखिएगा कि एलोवेरा जूस जो होता है वो शुगर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, उसके कारण आपका जो शुगर है जो है उसको कंट्रोल में लेके आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए आप कितने सारे प्रोडक्ट है, इसमें आपको चूज करना है क्या प्रोडक्ट देना है और सिलेक्टेड वे में आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो। मेरे को पूछा जाए, कोई मेरे को पूछे कि अच्छा पूर्वांशु जी ये बताओ कि आपके सामने कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप क्या देना चाहते हो, दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डायबिटिक केयर और उसके साथ गिलॉय तुलसी ऐड करना चाहता हूँ। दोस्तों दोनों जूस फॉर्म में है, आप चाहे तो एक साथ मिला सकते हो दोनों जूस को, करीब 30 ml तक बना लीजिए दोनों को एक साथ मिला के और पानी के साथ इसको पीजिए, शुगर आपको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा और साथ में बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। तो ये मिक्सअप किया जा सकता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं है दोनों प्रोडक्ट में, कोई भी ड्रग टू ड्रग रिएक्शन नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसको आराम से आप किसी भी हालत में दिया जा सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन गिलॉय तुलसी के साथ, जो डायबिटिक केयर आपको शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे। दोस्तों जितने ज़्यादा शुगर का पेशेंट है, मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुगर के कारण आपका हर ऑर्गन डैमेज होता है। तो इसलिए शुगर को डायबिटिक पेशेंट जो है उस डायबिटिक पेशेंट शुगर को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपको मैं फिर बता चाहूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर का प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि शुगर जब बढ़ जाता है आपको हर ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें आपको समझ में आएगा शुगर का मतलब क्या है। इस लाइक मान लीजिए ये रसगुल्ला का रस जैसे है, आपके खून के अंदर में कोई रसगुल्ला का रस मिला दिए हो तो क्या होगा। मान लीजिए छोटा सा किडनी आपको जो ब्लड को साफ करने में जो परेशान हो जाता है उसके अंदर में आप रसगुल्ला रस मिला दिए हो और थोड़ी देर में किडनी पूरा जैम हो जाएगा, धीरे धीरे किडनी खराब होते लगेगा। इसको आप जितना आसान तरीका से देख रहे हो मेडिकल साइंस उतना आसान तरीका से नहीं देखेगा, मेडिकल साइंस इसको बोलेगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है जो शुगर का पेशेंट को होता है, जो नेफ्रोन डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज होता है। उसके बाद जो आता है आंखों के अंदर में ऐसे जो शुगर भरा हुआ जो खून है वो चला जाएगा, तो जितने सारे माइक्रो सर्कुलेशन है, छोटा छोटा आर्टरियोल्स जो सप्लाई हो रहा है, खून सप्लाई हो रहा है, वो ब्लॉक ही हो जाएगा। तो नेचुरली आपका आंखें का डैमेज हो जाएगा। सुनने में आसान लग रहा है बट डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर बोलेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ है, आपका रेटिना डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ शुगर का प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेज में मान लीजिए आपके पैर में ये जमा होने लगता है शुगर नीचे के पेरिफेरियल अंश में और छोटा सा भी एक घाव और फुंसी हुआ तो उसमें डायबिटिक फूट अल्सर हो सकता है। डॉक्टर आपको पूछेगा भाई साहब आपको जिंदा रहना है तो पैर को काटना पड़ेगा क्योंकि गैंग्रीन हो गया पैर में, ये डायबिटिक फूट अल्सर से होता है। सो डायबिटिक फूट अल्सर एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। कभी आपने देखा है जलेबी बनते हुए देखा होगा, उसी तरीका से आपके नर्व जो होता है ना उसके ऊपर शुगर का लेयर आ जाता है और दोस्तों उसके कारण आपका नर्व में दर्द होता है, आपका नर्व मैल फंक्शन करना चलते हैं और इसी कंडीशन को बोलता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये आपका पैर में दर्द, शरीर में दर्द पैदा करता है क्योंकि शुगर के कारण आपका नर्व डैमेज होता है। तो इसी तरीका से देखा जाए अपना शरीर का हर ऑर्गन को ये डैमेज कर सकता है ये ब्लड शुगर, और फ्रेंड्स इससे प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरीका से मैंने बोला थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, राइट डाइट लेना, उसके बाद हेल्थ चेकअप करवाना रेगुलर, स्मोकिंग ड्रिंकिंग को कंट्रोल करना और जो भी प्रोडक्ट आप शुगर के लिए ले रहे हो उसके साथ साथ वेलनेस और न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट यूज करना, क्योंकि वेलनेस और न्यूट्रिशन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है बट ये जो पेड़ पौधा का जो अंश जाता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है ये आपके शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। और प्रोवेदा के पास जितने सारे प्रोडक्ट है उसमें ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोडक्ट शुगर में अच्छा काम करते हैं, बट कुछ खास प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया जो शुगर के लिए बहुत ही खास प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो दोस्तों इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि शुगर को नज़रअंदाज मत कीजिए, वेलनेस और न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट लीजिए। जिनके घर में मम्मी पापा का
फैमिली मेंबर का डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, डायबिटीज़ मेलाइटस का हिस्ट्री है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पहले से ये प्रोडक्ट लेना चालू करें। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बट इनको शुगर उनको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। बॉर्डर लाइन केसेस जो आ रहा है, जैसे मान लीजिए जिनका शुगर जस्ट बॉर्डर लाइन 100 से 110 के बीच में लटक रहा है, वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी से आपका शुगर कंट्रोल करना, डाइट कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग ड्रिंकिंग लेफ्ट करने का टाइम आ गया, क्योंकि शुगर आपको ऐसा सिचुएशन बना देगा। दोस्तों शुगर पेशेंट में, डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, शुगर पेशेंट में जिनका मौत होता है, शुगर जो पेशेंट मरते हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट में लिखा रहता है डाइट ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुगर में आपका शरीर का मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है, तो इसीलिए आपका जो मौत हो सकता है मल्टी ऑर्गन डैमेज में, तो इसीलिए शुगर को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। जिनका शुगर है वो टेस्ट करवाइए और उससे उनको जो बेनिफिट है वो आगे और हेल्दी लाइफ लीड कर सकता है। शुगर को आराम से मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, पूरा नहीं जाएगा, वेलनेस का प्रोडक्ट से पूरा जाता है, बट सभी लोग देर लेट कर देता है तो पूरा नहीं जाएगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो इस कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट वाइज बताया, जैसे डायबिटिक केयर जूस, जैसे मैंने आपको बताया कि गिलोय तुलसी, उसके बाद एलोवेरा, उसके बाद कुरकुमिन, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना, उसके बाद आपको मोरिंगा ओलिफेरा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो शुगर के लिए बेहतरीन रूप से काम करता है। सो फ्रेंड्स, मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डायबिटीज पेशेंट जहाँ भी आप देखेंगे उसमें सबसे पहले वेलनेस का प्रोडक्ट शुरू करना कोशिश कीजिए, जिसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, बहुत सारे लोगों का दुआ भी मिलेगा और एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी मिलेगा। और प्रोवेदा का प्रोडक्ट का क्वालिटी आप सभी को पता है, बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी हम लोग आपको देते हैं, जिसके कारण आप लोगों का जो प्रोडक्ट का रिस्पांस है बाकी कोई भी कंपनी से बेहतरीन तरीका से आएगा। सो दोस्तों, इसलिए तैयार हो जाइए, डायबिटिक पेशेंट आपके आसपास बहुत है और आपके पास भी आएंगे, क्योंकि मेडिसिन से उसका कंट्रोल नहीं होता है पूरा, और आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं देने के लिए, तो तैयार हो जाए उसको देने के लिए।